उत्तर प्रदेश के संभल में दर्दनाक हादसा हुआ है। तेज रफ्तार पिकअप और बोलेरो की टक्कर में 10 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब बदायूं से सगाई समारोह में शामिल होने के बाद परिवार लौट रहा था। इस हादसे में एक दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। लोगों को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, बाकी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बीते रविवार को उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई थी। ये सभी एक ही परिवार के थे। कार और ट्रक के बीच टक्कर इतनी जबरदस्त हुई थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। इसके बाद ड्राइवर ट्रक लेकर भाग निकला। पुलिस के मुताबिक यह हादसा बलदेव थाना इलाके में हुआ था। कार नोएडा से आगरा की ओर जा रही थी और ट्रक में पीछे से टक्कर हो गई। पुलिस के मुताबिक 5 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक शख्स को जब इलाज के लिए ले जाया जा रहा था तब उसकी मौत हो गई। सड़क हादसे में आए दिन लोग जान गंवा रहे हैं। इससे पहले मई में यूपी के देवरिया में गंभीर सड़क हादसा हुआ जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा खुकुंदू थाना क्षेत्र में हुआ। पुलिस ने बताया कि बरोड़ा के पास सोनू घाट बरहज रोड पर खड़े एक ट्रक को कार ने पीछे से टक्कर मार दी जिसमें 6 लोग मारे गए और एक घायल हो गया। ये लोग देवरिया में एक मरीज को देखने के बाद वापस लौट रहे थे, तभी अचानक कार ने बरोड़ा के पास ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। इसके बाद कार में सवार लोग उसी में दब गए। हादसे के बाद घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई और लोगों ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने लोगों को अस्पताल पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया। अन्य 4 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई। मई में ही सूबे के जालौन में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे में डंपर ने वैन को टक्कर मार दी थी जिसमें 4 लोग मारे गए और अन्य 4 घायल हो गए। वैन में दूल्हा दुल्हन भी सवार थे जो शादी के बाद पहली बार मंदिर में पूजा करने जा रहे थे। सड़क हादसे में दूल्हे और एक बच्ची समेत 2 लोगों ने दम तोड़ दिया था और दुल्हन गंभीर रूप से घायल हो गई।